हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 4 अगस्त 2023 को हुए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपका एग्जाम आगे आने वाला है, ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का हो, कोई भी हो, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों से आपको पता चलता है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत में पहली जूट मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई थी। इसकी स्थापना 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। देखिए, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में जनगणना के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर था 31.7%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या 31.7% और ग्रामीण जनसंख्या है 67% से 8% के बीच में। और देखिए, शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में निवास करती है और सबसे कम है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो आंसर था 2015 में। तो देखिए, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन ये 2015 में शुरू किया गया था। यह मिशन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत का सोबा स्मार्ट सिटी शहर कौन सा बना था, तो मेघालय का शिलोंग शहर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में भारत फाइनल में किस टीम से हारा था। तो आंसर था न्यूजीलैंड से। तो देखिए, 2019-21 के बीच में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, तो ये इसका जो फाइनल था वो न्यूजीलैंड ने जीता था। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीता था। तो विजेता था न्यूजीलैंड और उपविजेता था भारत। और बात करें इस बार की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है 2021 से 23 के बीच में, तो इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत ही है। इस बार भी भारत इसमें उपविजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, जबकि भारत का पहला 100% जल वाला राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था, शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी। तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत यानी कि इसका आयोजन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो इसका आंसर था बांसुरी वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। इन्हें देखिए 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 1992 में पद्मभूषण और सन 2000 में पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेग बाय शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो आंसर था क्रिकेट से। तो देखिए, लेग बाय हुआ, नो बॉल, वाइड बॉल या रन आउट, तो ये सभी क्रिकेट से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेरल्ड डोमार के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो आंसर था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हेरल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी जो 1951 से 1956 तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। और दोस्तों, अगर आप सभी पंचवर्षीय योजना के पूरे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तुलू वंश की स्थापना किसने की थी। तो आंसर था वीर नरसिंह ने। तो तुलू वंश की स्थापना यानी कि इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नोंगक्रेम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है मेघालय राज्य में। इसके अलावा देखिए, मेघालय में एक नोंगक्रेक नाम से आरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर मुथुकात्रमल 2022 में पद्मश्री विजेता हैं, ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो आंसर था सादिर नृत्य की। तो देखिए, आर मुथुकात्रमल इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था जो कि तमिलनाडु की हैं, तो ये एक सादिर नृत्य की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब आया था। तो ये अधिनियम देखिए 11 सितंबर 1989 को संसद में पारित किया गया था, लेकिन 30 जनवरी 1990 से ये भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से बताना था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है।
तो बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं, तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पेवोस की प्रथा शुरू की थी, यह किससे संबंधित थी? तो आंसर था कोर्ट से संबंधित या अदालत में। तो गयासुद्दीन बलबन ने एक सिजदा और पेवोस नाम से प्रथा शुरू की थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिजदा का अर्थ था सुल्तान के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना, और जो पैबोस प्रथा थी इसका अर्थ था सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी शक्ति की सराहना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस का विषय क्या था? तो आंसर था राष्ट्र पहले हमेशा पहले, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर था केरल राज्य में। अगला प्रश्न था, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, ये की थी 1866 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न था, मेलबर्न क्रिकेट फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर था कपिल देव को। अगला प्रश्न था, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला था? तो देखिए, आईसीसी क्रिकेट अवार्ड से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम हैं तो ये टॉपिक आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2022 का महत्वपूर्ण है, तो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा बाबर आजम को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था, और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था बेन स्टोक्स को, जो इंग्लैंड के हैं। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया सूर्य कुमार यादव को, ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था नटालिया सीवर को, जो इंग्लैंड की हैं। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, ये भी नटालिया सीवर को चुना गया था। और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था तहालिया मैग्रा को, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर था आर्टिकल 44 में। अगला प्रश्न था, 2023 में किस भारतीय गाने को ओस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर था नाटू नाटू गाने को। ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये RRR फिल्म का है, तो इस गाने को 2023 में ओस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। देखिए, ये जो फिल्म है RRR, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली, और जो ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके म्यूजिक कंपोजर कौन है, संगीतकार, तो MM किरावणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गैर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर था राजस्थान से। तो गैर नृत्य राजस्थान में भील मेड़ आदिवासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेज के समय लागू हुआ था? तो आंसर था लॉर्ड लिटन के समय। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिटन के समय 1876 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो आंसर था भवभूति। तो उत्तर रामचरित ये महाकवि भवभूति का एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टुसू पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए, जो टुसू पर्व है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और असम, तो इन राज्यों में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया होगा इन चार राज्यों में से, तो भाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहली सेमीकंडक्टर नीति भारतीय किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर था गुजरात राज्य ने। तो देखिए, भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति गुजरात राज्य ने शुरू की है। यह सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 तक के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तैराकी रिंग की चौड़ाई कितनी होती है? तो तैराकी रिंग की चौड़ाई 21 मीटर के लगभग होती है, लेकिन विश्व चैंपियनशिप तैराकी में जो इसकी चौड़ाई है वो 25 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1857 का जो विद्रोह था ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। और देखिए, 1857 की कई विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था क्या था, चर्बी वाले कारतूस। और उस समय देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो अंग्रेज गवर्नर थे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों, ये थे 4 अगस्त 2023 को पूछे गए सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।